आप सभी का एक बार फिर से मिताली ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, शेयर करें और आपके डाउट्स टॉपिक से रिलेटेड या अदर्स नर्सिंग रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और कोई भी सब्जेक्ट के लिए मुझे कोई भी टॉपिक के लिए मुझसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो आइए हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द पिपेरियम। इसके पहले के जो मैंने वीडियोस हैं उसमें मैंने नॉर्मल पिपेरियम, एनाटॉमिकल कंसिडरेशन ऑफ नॉर्मल पिपेरियम एंड फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन ऑफ नॉर्मल पिपेरियम, वो सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। उसके बाद अब मैं आपको नॉर्मल पिपेरियम से हम आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द पिपेरियम की। पिपेरियम के समय कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो कुछ एक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जिनको हम एक के बाद देखेंगे। तो आज की सबसे पहली जो सबसे कॉमन एबनॉर्मेलिटी है ऑफ द पिपेरियम वो है पिपेरियल पायरेक्सिया। यदि हम पिपेरियल पायरेक्सिया को ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना है, पिपेरियल और पायरेक्सिया, और हम सबको पता है या यदि आपको नहीं पता है कि पिपेरियम क्या है, तो पिपेरियम क्या है, प्रेगनेंसी के बाद से 6 हफ्तों का जो एक ड्यूरेशन है जिसमें सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मल रिवर्ट बैक कंडीशन में आते हैं वो पिपेरियम कहलाता है। तो ये पिपेरियम मतलब वो 6 हफ्तों का ड्यूरेशन, 6 वीक्स का ड्यूरेशन, और पायरेक्सिया दैट मीन्स एलिवेटेड बॉडी, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। तो मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, ये प्रेगनेंसी के बाद में पिपेरियन के दौरान 6 हफ्तों के दौरान यदि किसी रीति से बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, और वो कितना ज़्यादा होता है मैं आपको जब डेफिनेशन बताऊंगी तब आपको समझाऊंगी, तो ये स्थिति क्या कहलाती है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है पिपेरियल पायरेक्सिया का। पिपेरियल पायरेक्सिया, पिपेरियल इट इज़ रिलेटेड टू पिपेरियम एंड पायरेक्सिया एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। नाउ वी विल सी अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ द पिपेरियल पायरेक्सिया। सो पिपेरियल पायरेक्सिया इज डिफाइंड एज अराइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर रीचिंग 100 डिग्री फारेनहाइट एंड 38 डिग्री सेल्सियस और मोर ऑन टू सेपरेट ओकेशंस एट 24 आवर्स, टू सेपरेट ओकेशंस एट 24 आवर्स अपार्ट एक्सक्लूडिंग फर्स्ट 24 आवर्स विद इन फर्स्ट 10 डेज फॉलोइंग डिलीवरी। इसका अर्थ यह है कि बॉडी का टेम्परेचर, जो पिपेरा मदर है उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, 100.4 डिग्री फारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज़्यादा उसकी बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा, तो ये कंडीशन कहलाएगी पिपेरियल पायरेक्सिया। अब हम टाइम ड्यूरेशन देखें कि कब कब हमको बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है। तो ऑन टू सेपरेट ओकेशंस एंड 24 आवर्स, 24 आवर्स में मतलब एक पूरे दिन में 2 बार में अगर आपने बॉडी का टेम्परेचर आपने मेज़र किया है और वो बॉडी टेम्परेचर एलिवेटेड है या मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 डिग्री फारेनहाइट से अगर ज़्यादा आ रहा है, तो आपका जो पिपेरा मदर है वो किसके अंदर में आएगा, पिपेरियल पायरेक्सिया के अंदर में आएगा, अपार्ट एक्सक्लूडिंग फर्स्ट 24 आवर्स। लेकिन आपके जो फर्स्ट 24 आवर्स है, जैसे आज अगर डिलीवरी हुई है तो अब से लेकर के जो अगले 24 घंटे हैं इस बीच में ये वाले आवर्स को आपको एक्सक्लूड कर देना है, इसको आपको हटा देना है। और अगर 10 दिनों के अंदर, डिलीवरी होने के बाद 10 दिनों के अंदर में यदि बॉडी टेम्परेचर मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 डिग्री फारेनहाइट अगर हो जाता है उस कंडीशन में जो आपका क्लाइंट है वो किसके अंदर में आएगा, पिपेरियल पायरेक्सिया के अंदर में आएगा। तो दिस इज़ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पिपेरियल पायरेक्सिया। नाउ वी विल मूव ऑन द कॉजेज ऑफ पिपेरियल पायरेक्सिया। कौन से कॉजेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि एक प्रेगनेंट सी के बाद में, डिलीवरी के बाद में जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो क्यों एलिवेट हो रहा है, क्यों वो बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिपेरियल सेप्सिस। फर्स्ट कॉज ऑफ पिपेरियल पायरेक्सिया इज पिपेरियल सेप्सिस। यदि किसी तरह से सेप्सिस है बॉडी के अंदर में तो पिपेरियल पायरेक्सिया होगा। यदि इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर में तो बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिक रेज होगा। उसके बाद में UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यदि आपका क्लाइंट प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद किसी तरह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को फेस कर रहा है तो डेफिनेटली शी विल फेस
पिपेरियल पायरेक्सिया. सो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ पिपेरियल पायरेक्सिया. नेक्स्ट कॉज मेस्टाइटिस. सो मेस्टाइटिस इज अ ब्रेस्ट इन्फेक्शन. यदि प्रेग्नेंट मदर के पिपेरा मदर के ब्रेस्ट में यदि किसी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके कारण से भी उसकी बॉडी का टेम्परेचर इतना हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा. देन वुंड इन्फेक्शन. वुंड इन्फेक्शन इज रिलेटेड टू सिजेरियन सेक्शन और एपिजियोटमी. यदि एपिजियोटमी और सिजेरियन सेक्शन है तो ये वुंड इन्फेक्शन के कारण से भी जो प्रेग्नेंट जो पिपेरियम है उसके दौरान में क्या हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है. उसके बाद है पल्मोनरी इन्फेक्शन. इफ़ योर क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पल्मोनरी इन्फेक्शन, एनी काइंड ऑफ लंग और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लाइक निमोनिया, एटिलेक्टिसिस, ये कंडीशन भी लीड कर सकती है किसको, पिपेरियल पायरेक्सिया को. नेक्स्ट वी विल सी द अनदर कॉज ऑफ पिपेरियल पायरेक्सिया इज सेप्टिक पेल्विस थ्रोम्बोफेल्बाइटिस. सो थ्रोम्बोफेल्बाइटिस इज अ इन्फेक्शन ऑफ द वेन्स. अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है वेंस में और उसके बाद में वो आगे चल के इन्फेक्शन को लीड कर सकता है. तो यदि सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफेल्बाइटिस आपके क्लाइंट को है तो उसको भी प्रिपेरियम के पीरियड में क्या हो सकता है, उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा एलिवेट हो सकता है. देन इफ रीअकरेंस ऑफ मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस. यदि बार बार या आपके क्लाइंट को मलेरिया या ट्यूबरकुलोसिस है तो उस कंडीशन में भी आपके क्लाइंट का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड दिस विल लीड पिपेरियल पायरेक्सिया. एंड फेरिंजाइटिस एंड गैस्ट्रोएंट्राइटिस. यदि किसी तरह से फेरिंग्स में इन्फेक्शन है या गैस्ट्रोएंट्राइटिस है, गैस्ट्रो रिलेटेड जीआई सिस्टम से रिलेटेड यदि कोई भी इन्फेक्शन है, दैट विल ऑल्सो लीड पिपेरियल पायरेक्सिया. सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड कॉजेज ऑफ पिपेरियल पायरेक्सिया.